और हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टर्स। आपसे हड़ताल पर प्रदेश भर की जूनियर डॉक्टर और खामियाजा आम जनता भुगते। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का विरोध चल रहा है। परेशानी आम जनता को होती है, ऐसे में चार दिनों से काली पट्टी बांधकर जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मांगे पूरी नहीं होने पर आज काम बंद भी करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स 1 लाख रुपए स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं, एजुकेशन फीस कम करने की मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स वेतन बढ़ोतरी के साथ ही रूरल बॉन्ड खत्म करने का मुद्दा भी उठा रहे हैं। जिंदगी बचाने वाले आज हड़ताल पर हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर है। काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दरअसल पिछले 1 साल से जूनियर डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स ने मासिक स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही सालाना वृद्धि का रुका हुआ काम पूरा करने की मांग की है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर जूनियर डॉक्टर्स की मांग क्या है। मासिक स्टाइपेंड 1 लाख प्रति माह हो, सालाना वेतन वृद्धि का रुका काम पूरा हो, मध्य प्रदेश में चिकित्सा से शिक्षा की फीस 10 से 15 हजार हो, एमपी में यूनिवर्सिटी की फीस कम हो, जूनियर डॉक्टर्स को 5 साल का स्वास्थ्य बीमा मिले, मध्य प्रदेश से रूरल सर्विस बॉन्ड को खत्म किया जाए, रूरल सर्विस पर जाने पर अतिरिक्त 50 हजार रुपए की मांग। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार और उनके बीच कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अब देखना होगा कि क्या इस बार इस समस्या का समाधान हो पाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो ये रिपोर्ट